100 ग्राम साबुदाना लेंगे और 1 किलो उकड़ा चावल लेंगे। कुछ लोग कच्चे चावल से इडली बनाते फिर बोलते इडली अच्छा नहीं आया, लेकिन हमें लेना है उकड़ा चावल लेना है। और 1 किलो उकड़ा चावल में 1/2 किलो उड़ीद दाल भिगा के रखेंगे और साबुदाना मैंने ऑलरेडी 100 ग्राम भिगा के रख दिया। ये आधे घंटा भिगा सकते हैं साबुदाना और उड़ीद दाल एक घंटा भिगा के रखना है। चलो अभी पहला हम साबुदाना को 5 मिनट के लिए ग्राइंडर में डाल देते पीसने के लिए। चावल, उड़ीद दाल, साबुदाना, पहले हम साबुदाना को डालेंगे, फिर साबुदाना 5 मिनट के लिए पीसने देते हैं। उसके बाद मैंने उड़ीद दाल मिक्स कर दिया। उड़ीद दाल कम से कम 10 मिनट उसको अच्छे से पीसने देते हैं ग्राइंडर में। और 10 मिनट के बाद हम डालेंगे चावल। उड़ीद दाल अच्छे से पीस ले, अभी चावल मिक्स करेंगे। पूरा चावल 1 किलो चावल मैंने भिगा के रखा था, पूरा सब साथ में डाल दिया। अभी उड़ीद साबुदाना, उड़ीद दाल और राइस तीनों अभी 15 मिनट के लिए पिसाएंगे। 15 मिनट के लिए चावल को पीसने देते हैं और उसे बंद करके रख देते हैं ढक्कन से। अभी आटा पीस के हुआ मैंने टोप में ले लिया और थोड़ा सा सोडा ऐड किया चुटकी भर और 1 चम्मच स्वाद के लिए नमक ऐड किया और अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। देखो यहाँ पर, हाँ कितना गाढ़ा है, देखो ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहना चाहिए। अभी हम रात को भिगा के पीस के रखा है, सुबह के लिए इडली बनाएंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया, अभी बंद करके 8 घंटे के बाद ही हम इडली बना सकते हैं, क्योंकि आटा थोड़ा खट्टा होना चाहिए नहीं तो इडली सॉफ्ट नहीं आएगा। चलो अभी उसे बंद करके हम रख देते हैं, सुबह में इडली बनाते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।